सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, EDIM के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। सो बच्चों, आज अपन यूनिट नंबर 2 मॉड्यूल नंबर 3 का अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अपना क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसा आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम अपने लिए बिजनेस के न्यू आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें जो हमने कंटेंट लिया था वो था हमारा पीपल, कि लोग जो हैं, पीपल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमें कई कई तरीके से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं यदि हम अपने बिजनेस या वेंचर को स्टार्ट करने चाहते हैं। तो इसी सिनेरियो हमने देखा बहुत सारी चीज़ें आई थी, जैसे पीपल, कलीग्स, कंसल्टेंट, वेंडर्स यानी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर से भी हमने बात करके पूछा था, हमारे लीड यूजर्स, फ्रेंडली फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट लेबोरेटरीज, एसोसिएशंस, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं जिनके थ्रू हम अपने जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपने लिए न्यू आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें हमने 3 पॉइंट्स देखे थे, फोकस ग्रुप, ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रॉब्लम इन्वेंट्री एनालिसिस। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, हमने जल्दी से इसका रिकैप भी कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? ये वो मेथड्स हैं जिसके अंदर हम न्यू आइडियाज़ पे फोकस कर सकते हैं और न्यू आइडियाज़ को अपन जनरेट कर सकते हैं। तो पहला टेक्निक कौन सी आती है? पहली टेक्निक आती है आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम फर्स्ट टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर हम ये मानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली टेक्निक है जिसमें हम लोगों से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। तो चाहे प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन हो, चाहे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, चाहे हमारे बिजनेस के लिए न्यू आइडिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्निक होती है। ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है। हम जब लोग सब जो भी जिनसे भी हम आइडियाज जनरेट करना चाहते हैं, हम जब सब लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे हम एक प्रॉब्लम को रखते हैं और उन सब से कहते हैं कि आप लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें, या जो भी हमारा पर्पस है वहाँ मिलने का। जैसे हमने आज पर्पस बनाया कि आज हम यहाँ पे न्यू आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हर एक के माइंड में, जिस किसी के माइंड में जो भी कोई ऑप्शन आता है वो उस ऑप्शन को मीटिंग के मेंबर्स के सामने रख सकता है। तो हर एक पार्टिसिपेंट को इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन देना ज़रूरी होता है। एक बात जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी, इस लेक्चर में भी बता देता हूँ, जब हम ब्रेन सेशन या ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन रखते हैं तो हमें उस सेशन के अंदर जो भी हमें आइडिया पार्टिसिपेंट दे रहे होते हैं उनके किसी भी आइडिया को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये प्रायर कंडीशन होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर। तो जो भी आइडिया आ रहे हैं, चाहे वो इलॉजिकल हो, चाहे वो आपके ऑन ट्रैक से हटके हो, या कैसा भी आइडिया हो, हम उस आइडिया को वहाँ पे रिकॉर्ड ज़रूर करेंगे। फिर आता है आपका रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखिए, रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या कहता है? ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह ही है, सब लोग मिलेंगे, अनस्ट्रक्चर वे में है, आइडियाज़ और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा, बट यहाँ पे क्या होता है, क्रिटिसिज्म अलाउड होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो उस आइडियाज़ को क्रिटिसाइज कर सकता है। फिर आता है सिनेक्टिक्स। सिनेक्टिक्स एक क्रिएटिव प्रोसेस है। इसके अंदर जो इंडिविजुअल हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। और इसके अंदर हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो है हमारी एनालॉग मैकेनिज्म। एनालॉग मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि आप जो भी अपने आइडिया को रखना चाह रहे हैं उस आइडिया को आप विद एग्जांपल, और एग्जांपल में भी हमने 4 एनालॉग लिए। या तो आप अपने आप को रखते हुए उस आइडिया को समझा सकते हैं, डायरेक्टली उस आइडिया को समझाया जा सकता है, किसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके भी उस आइडिया को समझाया जा सकता है, और यदि आप चाहें तो आप फैंटेसी की दुनिया बना सकते हैं, इमेजिनरी आप वर्ल्ड क्रिएट करके भी उस आइडिया को समझा सकते हैं। बट ज़रूरी क्या है कि इस 4 एनालॉग में से कोई एक एनालॉग आपका होना चाहिए ताकि लोगों को आपका आइडिया समझ में आ जाए। देन होता है हमारा गॉर्डन मेथड।
गॉर्डन मेथड भी हमारे लिए न्यू आइडियाज़ डेवलप करने का एक टूल है। इसके अंदर हम ये मानते हैं कि जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, ये अनअवेयर है प्रॉब्लम से, और सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो अपने इस प्रॉब्लम के बारे में ओवरव्यू देता है, उनको समझाता है कि इस तरीके से एक प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ताकि लोग उसके लिए तैयार हो सके, अवेयर हो जाए। और धीरे धीरे क्या होता है, ग्रुप इसके अंदर रेस्पॉन्ड करना शुरू होते हैं और आइडियाज जनरेट किया जाता है। देन आता है आपका चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट भी क्या है, इसके अंदर भी हम न्यू आइडियाज को जनरेट करते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम या इश्यूज से संबंधित स्टेटमेंट्स को बना लेंगे और उन स्टेटमेंट को एक फॉर्म दे देंगे, टेबल की फॉर्म में दे देंगे, ताकि आप उसके अंदर जो जो आपके मेंबर्स हैं वो यस और नो का ऑप्शन रख सकते हैं। यदि वो उस प्रॉब्लम से एग्रीड है तो वो उसमें यस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और यदि वो इस पोर्शन से अनअग्रीड है, नहीं मानते उस प्रॉब्लम को इशू, तो उसके रिगार्डिंग वो नो का ऑप्शन पे चेकलिस्ट कर देते हैं। कभी कभार कुछ लोग इसके अंदर मिडिल ऑप्शन नहीं देते, क्योंकि उसमें केस में हम उसको ब्लैंक रखना चाहते हैं, क्योंकि मिडिल का हम ऑप्शन नहीं मान रहे, हम ये मान रहे हैं कि जो हम चीज़ का आइडिया पता करना चाह रहे हैं, या तो वो परफेक्ट हो, यस हो, या फिर वो प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ना हो, कोई भी कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति हम इस चेकलिस्ट मेथड में नहीं चाहते। देन आता है आपका फ्री एसोसिएशन मेथड। ये जो आइडिया है, ये आपके चेन ऑफ वर्ड से रिलेट करता हुआ होता है। इस आइडिया में हम क्या कर रहे हैं, देखिए, इस आइडिया में हम कुछ वर्ड्स देना शुरू करते हैं, तो वर्ड्स के बेसिस पे उससे मिलता जुलता कोई और वर्ड, फिर उससे मिलता जुलता कोई और वर्ड, तो एक चेन बनाई जाती है। ये जो वर्ड्स की चेन होती है, ये सिस्टमेटिक वे होता है, बट इसके अंदर होता क्या है कि जो नया आइडिया जनरेट हो रहा है ना, वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग होना चाहिए। जैसे हमने एक प्रॉब्लम बताई कि हमारी सेल्स गिर रही है, तो सेल्स गिरने का रीज़न मान लीजिए, पहली चीज़ नो डिमांड, डिमांड के बाद किसी ने कहा अनअवेयर ऑफ कस्टमरनेस, किसी ने कहा प्राइस रेंज हाई, एक्स्ट्रा कॉम्पिटिशन प्रेशर, तो ये वर्ड्स ऑफ चेन से हम क्या करेंगे, हम अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। देन आता है आपका फोर्स रिलेशनशिप। अब फोर्स रिलेशनशिप क्या कहता है, इस मेथड के अंदर जो रिलेशनशिप है और जो प्रोडक्ट है, उसके कॉम्बिनेशन को देखा जाता है। इस टेक्निक के अंदर हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उनसे हम आइडियाज जनरेट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये आपकी उस प्रॉब्लम से रिलेट करते हुए होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर चेकलिस्ट मेथड और फोर्स रिलेशनशिप दोनों बराबर है, यस हम कह सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हम रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए देंगे, हम वही ऑप्शन देंगे जो उस प्रॉब्लम से डायरेक्टली रिलेट कर रहा होगा, तभी हम उसके रिगार्डिंग कोई सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। देन कलेक्टिव नोटबुक मेथड। इस मेथड के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप जो मेंबर्स हैं उनको ग्रुप में डिवाइड करेंगे और उनसे इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या करेंगे, आइडिया जनरेट करने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। देन आता है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक क्या है कि ये एक थिंकिंग प्रोसेस कहा जाता है, थॉट प्रोसेस है, कि आप जो कोई भी आइडिया या सॉल्यूशन देना चाहते हो, वो आप पहले प्रॉपर तरीके से अपने पास सोच लो, विदाउट सो थिंकिंग आप किसी भी आइडिया को एक्सप्रेस मत करिए। फिर आता है आपका साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या कहता है, ये एक स्ट्रक्चर वे है। स्ट्रक्चर वे क्या है, क्योंकि इसके अंदर हम जो बेसिक गाइडलाइंस होती है, जो बेसिस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग उन प्रिंसिपल्स को पहले देखते हैं कि किसी चीज़ के पीछे होने के जो मेन रीजंस हो सकते हैं, हम उनको बेस बनाते हैं और उनके बेसिस पे ही हम अपने क्वेश्चंस को डिज़ाइन करते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि हर प्रॉब्लम के पीछे कहीं ना कहीं कोई बेस में ही कमी है। यदि बेस में प्रॉब्लम है, तभी प्रॉब्लम अराइज हुई है, इसलिए हम इस गैप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, अपने साइंटिफिक वे में यूज़ करते हैं, और इन बेसिस के साथ साथ हम अपने अजम्पशन यानी हाइपोथेसिस को भी वर्क करते चलते हैं।
तो हम हाइपोथेसिस पे भी ध्यान रखेंगे, बेसिस को भी ध्यान रखेंगे, और जब हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें प्रॉपर रिसर्च को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो रिसर्च का मतलब क्या है, प्रॉपर फैक्ट एंड फाइंडिंग्स हमें देखनी पड़ेगी। फिर आता है आपका एट्रीब्यूट लिस्टिंग, ये क्या कहता है, इसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, चीज़ों के रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेगा, एक लिस्ट बना लेगा, और उसके डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को एनालाइज किया जाएगा। देन बच्चों जो टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो है हमारा कॉम्पिटिशन और इंडस्ट्री एनालिसिस। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर को मार्केट में अपनी कंपनी या अपने बिजनेस की पोजिशनिंग को जानने के लिए अपने इंडस्ट्री और अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना होता है, और इसी मेथड को हम कहते हैं पोर्टर फाइव फोर्सेस मॉडल। देखिए, इसके अंदर हम पांच चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, आप जब आप अपनी खुद की कंपनी या अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी इंडस्ट्री की, अपनी बिजनेस की पोजिशनिंग के बारे में देखते हैं, तो आपको देखना है कि आपकी इंडस्ट्री में जो न्यू एंट्रेंट्स हैं वो कितने इजीली एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस बात का पता करना होता है कि हमारी इंडस्ट्री में यदि न्यू एंट्रेंट्स आते रहेंगे तो ये हमारे बिजनेस के लिए कंपटीशन इंक्रीज कर देता है। दूसरा जो पॉइंट हम देखते हैं वो आता है कॉम्पिटिटिव राइवलरी, यानी जो आपके कॉम्पिटिशन में हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, यदि आपका कस्टमर ईजिली उन तक पहुंच रहा है, यानी कि आपके प्रोडक्ट को छोड़ के वो ईजिली उनको कैच कर पा रहा है, ईजिली वो कस्टमर उनकी तरफ स्विच हो जाता है, ईजिली वो उनकी तरफ लॉयल्टी शो करता है, तो ये भी आपके बिजनेस के लिए गलत पोजिशनिंग है, आपकी बिजनेस की अच्छी कंडीशन हम नहीं कह सकते। फिर हम बात करते हैं सप्लायर पावर। सप्लायर पावर का मतलब क्या होता है, यदि आपकी बिजनेस एक सप्लायर से बात करती है, यानी एक सप्लायर से ही अपने प्रोडक्शन पर निर्भर है, तो वो सप्लायर की जो पावर है वो ज़्यादा है, वो जब चाहे अपने प्राइसेस या अपने रॉ मटेरियल के लिए रेट बढ़ा सकता है, प्राइस बढ़ा सकता है, और इस कंडीशन में आपकी बिजनेस की पोजिशनिंग खराब होती चली जाएगी। देन आता है आपके थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो आपके बिजनेस के बदले में या आपके प्रोडक्ट के कंपैरिजन में आपका सब्स्टिट्यूट है, यदि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को छोड़कर आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को परचेज कर पा रहा है इजीली और कभी वो स्विच कर देता है, तो ये आपके बिजनेस के लिए क्या है, खराब पोजिशनिंग है। और देन आता है बायर पावर, तो बायर पावर क्या होता है, यानी कंज्यूमर की पावर, यदि कंज्यूमर ज़्यादा है, वो आपके साथ कॉपरेट नहीं करता, वो आपको ऑर्डर कम दे रहा है, या उसको लगता है कि मार्केट में आप जैसे कई प्रोडक्ट अवेलेबल है, या तो वो प्राइस कम मांगता है, तो इस कंडीशन में भी आप अपने बिजनेस की पोजीशनिंग को अच्छा नहीं मान सकते। तो ये जो अपना कॉम्पिटिटर एनालिसिस है बच्चों, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 12 के अंदर स्टडी करेंगे, जिसको मैं आपको डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्टिव वे में समझाऊंगा कि ये होता क्या है। तो अभी के लिए अपन इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं, यहाँ अपना लेक्चर नंबर 11 ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।